नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का 88 88 नंबर, ठीक है बेटा। फिर आपका जो टॉपिक है बेटा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, पार्ट नंबर कौन सा चल रहा है आपका, तीसरा चल रहा है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को दुर्बल वैद्युत अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है बेटा। अब उस वीडियो के बाद अगला जो टॉपिक बढ़ता है इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो है जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, कॉले राउस का नियम। कॉले राउस का नियम, कॉले राउस का नियम बोलेंगे भैया। सबसे पहली बात है भाई कॉले राउस का नियम क्या है। तो देखो बेटा कॉले राउस के नियम की बात करो सबसे पहले, कोई भी वैद्युत अपघट्य लो जिसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता का जो मान है, कहने का मतलब है किसी भी वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का जो मान है उस वैद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन की संख्या और उसकी मोलर चालकता, और उसकी क्या बेटा मोलर चालकता, प्लस ऋणायन की संख्या जो न्यू है, ऋणायन की संख्या और उसकी मोलर चालकता का योग होती है। किसका होती है बेटा, योग होती है, जिसको स्वतंत्र अभिगमनांक या फिर आप लोग कह सकते हो कॉले राउस का नियम। हम ये कह सकते हैं सबसे पहली बात कि परिभाषा के रूप में लेके भाई कॉले राउस का नियम किसे कहते हैं, किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान, अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या है बेटा, लैम्डा एम इन्फिनिटिव, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान उस वैद्युत अपघट्य में धनायन, जिसको कैटायन या सी बोलोगे, धनायन की संख्या वह धनायन और ऋणायन को क्या बोलोगे, ए बोलोगे, इसको एनायन, ऋणायन की संख्या और ऋणायन का योग या योगफल बोल सकते हैं, का योग का मान लैम्डा एम इन्फिनिटिव क्या है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता के बराबर होता है। इसे ही कॉले राउस का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों का एक नियम है, और नियम को आप लोग इस प्रकार से क्या करोगे व्यवस्थित, तो इसे यूँ लिखते हो, इसे स्वतंत्र अभी गम नांग भी कहते हैं, इसे स्वतंत्र अभिगमनांक का नियम भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब एक आपकी किताब में दिया हुआ है, इसका कोई गणितीय आधार नहीं है, मतलब सैद्धांतिक आधार नहीं है, और इसको गणितीय रूप से मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, और उस पीडीएफ में लिखा हुआ है कि जो कॉले राउस का नियम है उसका कोई क्या है सैद्धांतिक आधार नहीं है, और उसका गणितीय रूप से डिबाई हकल तथा ओन सागर ने एक समीकरण दी, और इस समीकरण के हिसाब से आपकी जो समीकरण है उसको आप लोगों को पीडीएफ में देखना, और उसके बाद यहाँ पर
आप लोग बता सकते हो कि वहाँ पर उसका एक गणितीय रूप दिया हुआ है, और उस गणितीय रूप के आधार उस समीकरण को आप लोग क्या करोगे, पीडीएफ से उतारोगे और आप लोग सीधा लिख दोगे। अब बात ये समझने की है भाई, कोई भी वैद्युत अपघट, जैसे आप लोग वैद्युत अपघट अलग अलग ले रहे हैं, जैसे आपको ये नियम है, जैसे आपको नंबर वन NaCl लिया, नंबर टू MgCl2 लिया, नंबर चार ले रहे हो आप AlCl3, नंबर पाँच आपने लिया Al2SO4 का होल तरह, इसको एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। अगला आपने लिया बेटा नंबर छः ले रहे हैं आप लोग, जैसे एसिटिक अम्ल ले लिया CH3C D H, और नंबर सात अपन ले रहे हो सोडियम एसिटेट, जैसे CH3C D O H, NaOH लो, HCl लो, कुछ भी बह लगा। जैसे नंबर वन को आपने उतारा, सबसे पहले तो आप NaCl को क्या करोगे, वियोजित करोगे, तोड़ोगे, तो ये Na+ NaCl को तोड़ा तो NaCl वियोजित किसी में होगा, Na++Cl- में। अब यहाँ पर इस NaCl की अनंत अणुता पर मोलर चालकता, अर्थात समीकरण को इस हिसाब से लिखना चाहें तो Na ये लैम्डा NaCl इन्फिनेटिव, अर्थात सोडियम क्लोराइड की अनंत अणुता पर मोलर चालकता का जो मान है उसमें धनायन की संख्या और धनायन व उसमें और ऋणायन व ऋणायन की संख्या का जो योगफल होता है वो कोलेराउस का नियम कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, संख्या कुछ भी नहीं है, एक है, तो लैम्डा यहाँ पर इन्फिनिटी बोलो या कुछ भी लो, Na+ लैम्डा यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा दोगे, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ कर दिया Cl-। तो ये समीकरण बनी किसकी, NaCl वाले की। नंबर दो जैसे अपन ने ले लिया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का आप लोग वियोजन कर रहे हो, वियोजन करो तो Mg+2 में टूटा, +2Cl- में, तो अब यहाँ पर क्लोरीन की संख्या आ गई दो है। अब यहाँ पर अपन के लैम्डा MgCl2 अर्थात मैग्नीशियम क्लोराइड की अनंत अणुता पर मोलर चालकता बराबर धनायन और धनायन की संख्या, तो धनायन हमारा एक ही तो है, तो लैम्डा Mg+2 प्लस कितनी संख्या है, दो। अब दो करोगे तो दो, फिर उसके बाद लैम्डा Cl- और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो ये जो गुणांक है ना आगे आ जाएगा दो, ठीक है। अब जैसे Al2SO4 ले रहे हो बेटा, क्या ले रहे हो, Al2SO4 लिया, Al2SO4 का होल थ्राइज लिया, ये इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा कि दो Al+3+3SO4-2 में टूटेगा। अब टूटेगा तो आप अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बेटा, इस समीकरण को कैसे बनाएंगे। मैं इसके ऊपर बढ़ा देता हूँ क्या, यहाँ पर तो यहाँ पर लैम्डा इन्फिनिटिव Al2SO4 का होल थ्राइस बराबर धनायन की संख्या कितनी है, दो, तो यहाँ पर दो इंटू लैम्डा प्लस Al+ का तीन, सही है, प्लस ऋणायन कितने बेटा, तीन डॉट लैम्डा SO4-2 और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया, तो ये समीकरण बनी बेटा इसके लिए, ये समीकरण बनी NaCl की इसके लिए, ये समीकरण किसकी बनी आपकी MgCl2 की, ये वाली की मैंने ये बनाई। तो अब आप लोग इसकी समीकरण बनाओगे, कैसे बनाओगे भाई, इसको भी तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, एसीटेट आयन या फिर H+ ले लो, H+ और ये CH3COO-, ठीक है, इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, दो बार लिख दिया कोई बात नहीं, इसको मैं सोडियम एसीटेट बना देता हूँ Na, ठीक, इसको तोड़ा तो कैसे टूटा, Na++ एसीटेट आयन। अब इसके अनंत अणुता पर मोलर चालकता बन जाएगी समीकरण, इसकी भी बन जाएगी, फिर इसके बाद ये लिख दोगे, तो इस प्रकार से आप लोग क्या बताओगे बेटा, कोलेराउस के नियम के अनुसार इनका किस प्रकार से अनंत अणुता पर मोलर चालकता ज्ञात करोगे, तो वो है आपका ये सिस्टम, ठीक है बेटा। वैसे आपको ये PDF में सब कुछ दे रखा है, आप लोग खुद एसिटिक अम्ल है या फिर सोडियम एसीटेट है उसकी अनंत अणुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने का आप लोग सूत्र क्या करोगे, निश्चित करना। अब बात यह है कि बेटा सबसे पहली बात है कि ये कोलेराउस का नियम क्या है,
इस ये उपयोग में क्या होता है, इसका क्या काम आए, इसका मतलब है कि भाई इसका उपयोग किस किस रूप में किया जाएगा। तो अपन अब यहाँ पर कोले राउस के नियम के क्या लिख देंगे, अनुप्रयोग लिखेंगे, कोले राउस के नियम के अनुप्रयोग, कोले राउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है बेटा, ये आप लिख क्या रहेगी, हेडिंग रहने वाली है। अब हेडिंग हो गई, बता स्टार्ट हो गई, अरे इसको बंद कर।